पहला दिन है, फर्स्ट डे था उसका। हमारे साथ काफ़ी अच्छी उसकी एक मीटिंग हुई है पूरी टीम मैनेजमेंट और हमारे साथ। लगा तो बहुत अच्छा है, देखें पहला दिन है उसमें आप कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जो उसकी लॉजिकल बातें थोड़ी सी समझ आ रही हैं। और जिस तरह हम खेल रहे हैं क्रिकेट आइलैंड सीरीज में, हमने जिस तरह टर्न अराउंड किया और एक एक तरीका नया अपनाया खेलने का, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उसको ही कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बाकी बाद में बताएंगे आगे जाके गैरी कैसा है, अभी तक तो अच्छा है। वेदर कंडीशन देखें वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इतनी क्रिकेट सारे लड़के खेले में दोनों टीमों के आप मिला ले तो वेदर कंडीशन तो चलता रहता है। अगर कम में ओवर्स का हुआ तो कैसे खेलना है वो भी हमें पता है, और 20 ओवर्स का हुआ कैसे खेलना है, तो उसका इस तरह कोई इतना माइंड नहीं है। वो भी फुल स्ट्रेंथ ही थी, वो भी कोई हाफ स्ट्रेंथ तो नहीं थी, सारे यही वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स ही हैं 90%। ये सवाल तो मेरा नहीं ख्याल कि होना भी चाहिए फुल स्ट्रेंथ है कि हाफ स्ट्रेंथ है, हमारी तो हम तो फुल स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं। हाँ हम ऑब्वियसली बात है हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले थे, और हम आयरलैंड से जो मैच आ रहे हैं उसमें भी नहीं खेले, तो वो फैक्ट की बात है, लेकिन हमें उसमें से अच्छी चीज़ें निकालनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि भाई यहीं पर ही हो गया, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें एक सेटबैक अगर पहले मिल जाता है तो आइडिया हो जाता है कि यार इस तरह खेलना, अब हम 1% रिलैक्स नहीं हो सकते, यूजली हम रिलैक्स हो जाते थे। हमने यही फिर पहले मैच के बाद बैठ के मीटिंग की आयरलैंड की कि हम रिलैक्स नहीं होंगे कोई भी मैच होगा, इंग्लैंड के खिलाफ तो अब वैसे भी रिलैक्स नहीं होते, लेकिन हमने अब ये प्लान किया है बैठ के, अल्लाह इसको कामयाब करे कि हर मैच को हम लोग उसी इंटेंसिटी से खेलेंगे जिस इंटेंसिटी से हम हारने के बाद खेलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे आपको अच्छी इंटेंसिटी नजर आएगी, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आई थिंक हमें अपनी चीज को ठीक करना चाहिए, दूसरों की चीज को नहीं देखना चाहिए, और हम अपनी चीज को ठीक कर रहे हैं और बहुत तेजी से ठीक कर रहे हैं। जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं हमारी, जिस तरह की स्पेशली कोचेस ने बात की है, हमारे चेयरमैन ने हमसे बात की है, कैप्टन ने बात की है, आई थिंक सारे नजर आ रहा है कि कुछ डिफरेंट चेंजेस आई हैं इस बार, और आप देखेंगे कि हम इस सीरीज में भी और वर्ल्ड कप में भी वो चेंजेस आपको पर्सनली भी देखने को मिलेंगी और ग्राउंड के अंदर भी मिलेंगी। या अफगानिस्तान में वो भूल नहीं सकती कभी, वो लाइफ में एक बार ही अल्लाह ऐसे करवाता है, वो कभी भूल नहीं सकती। मैंने इसीलिए कहा लीड्स मुझे वैसे ही पसंद है पर्सनली भी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वो भी है कि उस वजह से भी पसंद है। हाँ अच्छी अच्छी चीजें हो गई, वो तो अब चली गई, अब कोशिश ये करेंगे कि आगे फ्यूचर में आने वाली अच्छी चीजें करें। पहला सवाल फिर से कहिएगा। अच्छी चीज होती है इसमें, अगर आप ये सोचेंगे इंजरी हो जाएगी इस तरह, तो फिर तो वो नहीं है असल। वर्ल्ड कप से पहले सीरीज जो आपका जो सारी जो कॉम्पोजिशन है टीम की वो है, उसको पूरे करने के लिए होता है, और दूसरी चीज जीतने के लिए भी होता है, और जीतने से कॉन्फिडेंस आता है। अच्छे कॉन्फिडेंस से अगर हम ये सीरीज अच्छा खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस आगे लेके जाएंगे, रिदम बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, वो तो कभी भी हो सकती है, वर्ल्ड कप के पहले मैच की भी हो सकती है, और हमारा मेडिकल पैनल काफ़ी अच्छा है, वो वर्क लोड मैनेज कर रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज से हम लोग वर्क लोड मैनेज कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का भी और स्पिनर्स का भी। आई थिंक इंजरी का कोई ऐसा कंसर्न नहीं, सब फिट है। और दूसरा सवाल आपका था क्राउड के, वो क्या आप जी बिल्कुल, लीड्स में हमेशा ऐसा ही लगता है कि होम क्राउड है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है लीड्स में खेलने का। यही कंडीशंस मुझे लगता है कि मोर और लेस लीड्स में थोड़ा सा स्पिन होता है अक्सर, यही कंडीशन आगे जाके हमें फायदेमंद होंगी। इस हर कंडीशन में खेलने का आपको अंदाजा होना चाहिए, तो मुझे लीड्स पर्सनली बहुत पसंद है एज ए क्रिकेटर, होपफुली हम अच्छा करेंगे।